वो लड़की के ऊपर ही डिपेंड है। अब आप बोलोगे कि टीचर आज मतलब एक लड़की के ऊपर कौन सा ऐसा व्याकरण मतलब ऐसा डिपेंड हो सकता है, तो एग्जैक्टली हम लोग वही चीज देखने वाले हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे हम लोग उस लड़के का, ठीक है। चित्र पे आपको एक लड़के का मैंने चित्र दिखाया, जिससे जिससे मैंने पूछा मतलब आप लोगों से पूछा कि उसका नाम क्या है, तो आप लोगों को पता नहीं था उसका नाम, आप लोगों को पता नहीं था, ठीक है। तो उसका भी इंट्रोडक्शन करा रही हूँ, उसका नाम था मुकेश, ठीक है। मुकेश बहुत अच्छा लड़का है। आपको शब्दों पर और वाक्य पर ध्यान देना है, ठीक है, शब्दों और वाक्य पर सभी को ध्यान देना है। मुकेश एक लड़का है, मुकेश बहुत अच्छा लड़का है। मुकेश के पिताजी डॉक्टर है, मुकेश की माताजी टीचर है। मुकेश क्रिकेट खेलना बहुत पसंद करता है, ठीक है, और मुकेश को मतलब खेल में बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक लड़के का चित्र दिखाया और उसका नाम मैंने बताया कि उसका नाम क्या है, मुकेश है, ठीक है। तो जब मैंने उसका इंट्रोडक्शन देना स्टार्ट किया, तो मैंने हर वाक्य में उसके नाम को मैंने क्या किया, बार बार प्रयोग किया, मुकेश 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 अच्छा लड़का है, ठीक है, वो मेरा दोस्त है, मुकेश मेरा दोस्त है, मुकेश के पिताजी क्या करते हैं, मुकेश की माताजी क्या है, ठीक है, मुकेश को कौन सा खेल पसंद है। तो बार बार हर एक वाक्य में मैंने बार बार मुकेश शब्द का प्रयोग किया, ठीक है, जिसकी वजह से मैं जो वाक्य को प्रेजेंट कर रही हूँ वो थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है, वो सही नहीं लग रहा है। तो बार बार मुकेश शब्द का प्रयोग ना हो, ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाए जिससे मुकेश ऑटोमेटिकली उस शब्द से पता चले, लेकिन उसका नाम नहीं होना चाहिए। आप यदि किसी का इंट्रोडक्शन दे रहे हो या किसी के बारे में बोल रहे हो, तो स्टार्टिंग में एक बार उसका नाम आ जाना चाहिए, और उसकी नाम की जगह पर जहां जहां पर जरूरत पड़ती है उसके नाम की जगह पर कोई और शब्द आ जाना चाहिए। तो आप बोलोगे ऐसे कैसे टीचर, अगर मुकेश की जगह पे मुकेश नाम नहीं आएगा तो फिर और कौन सा नाम आएगा, कैसे पता चलेगा मुकेश के बारे में बोला जा रहा है। देखो, स्टार्टिंग में हमने मुकेश नाम बोल दिया, जैसे कि मुकेश एक लड़का है, मुकेश बहुत अच्छा लड़का है, ठीक है, वो मेरा दोस्त है। तो यहाँ पे जब मैंने तीसरे वाक्य में वह मेरा दोस्त है, तो वह शब्द किसके लिए आया है, वह शब्द किसके लिए आया है वाक्य में, वह शब्द किसके लिए आया है वाक्य में, आप लोगों को चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स करना है बेटा, चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स करना है, मुकेश के लिए, वेरी गुड। तो वह कोई और शब्द नहीं, वह क्या है, सर्वनाम, ठीक है, वह क्या है, सर्वनाम, जो कि वाक्य में मुकेश को ही क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, मुकेश को ही क्या कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है। जब आप वह उसे उसकी माताजी टीचर है जब आप पढ़ते हो, तो आपको पता है कि एग्जैक्टली जो पैराग्राफ आप पढ़ रहे हो, हाँ, जिसके बारे में आप स्टोरी पढ़ रहे हो, वो एग्जैक्टली मुकेश की स्टोरी है, मुकेश के बारे में बताया गया परिचय है, तो आप कंफ्यूज नहीं होते, ठीक है। मुकेश की जगह पर, यानी मुकेश क्या है, संज्ञा है, मुकेश क्या है, संज्ञा है, नाम है ना, उसकी जगह पर जो शब्द का प्रयोग किया जाता है और वो शब्द बकायदा मुकेश को ही रिप्रेजेंट करे, ऐसे शब्द समूह को क्या कहा जाता है, सर्वनाम कहा जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आए यहाँ तक सभी को। ऐसे शब्द समूह, कैसे शब्द समूह, जो कि मुकेश को ही रिप्रेजेंट करे वाक्य में, पर मुकेश का नाम नहीं होना चाहिए, उसकी जगह पे कोई और शब्द होना चाहिए, वह कोई और शब्द जो होता है वो क्या होता है, सर्वनाम होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज जो हम ग्रामर सीखने वाले हैं, वो है सर्वनाम के ऊपर, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया है, बच्चा स्टार्ट करूं, माय वॉइस इज क्लियर टीचर? यस यस, ओके स्टूडेंट्स, पे अटेंशन हियर, यहाँ तक सबको समझ में आ गया बच्चा, तो थ्रू चैट बॉक्स मुझे रिस्पॉन्स करना है कि मुकेश की जगह पर जो शब्द का प्रयोग, मुकेश क्या है, पहले ये चीज को जानना बहुत जरूरी है, मुकेश क्या है, नाम है, एग्जैक्टली हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में नाम, उसके प्रकार आदि पर हम लोग ने डिस्कस किया था, समझा था, और बहुत सारे प्रश्नों के जवाब दिए थे। तो यहाँ पे मुकेश नाम है, लेकिन मुकेश को हर एक वाक्य में रिपीट करने की बजाय उसकी जगह पर दूसरे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, और वही दूसरा शब्द क्या कहलाता है, वही दूसरा शब्द क्या कहलाता है, सर्वनाम कहलाता है। यहाँ तक यदि सबको समझ में आ गया है बच्चा, थ्रू चैट बॉक्स मुझे रिस्पॉन्स करना है, वेरी गुड स्टूडेंट्स। अब हम एक छोटा सा वीडियो देखेंगे, ठीक है,
एक छोटा सा वीडियो देखेंगे जहां पर टीचर है एग्जैक्टली इस वीडियो में क्या दिखाया गया है जो अभी हमने डिस्कस किया कि भाषा में नाम का बार बार पुनम टीचर रुको टीचर प्ले किया मैंने लोग इस व्याकरण में देखने वाले क्या है सिंपल सी बात है बेटा आप लोगों ने संज्ञा आप लोगों ने देखने है संज्ञा क्या होता है नाम होता है बेटा अब नाम में भी सभी नामों को अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा भाववाचक संज्ञा ठीक है ये तीन प्रकार का आप लोगों ने संज्ञा आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट किया था अच्छे से समझा था और आप लोगों ने अच्छे से पार्टिसिपेट भी किया था ठीक है अब संज्ञा मतलब जब हम किसी का इंट्रोडक्शन देते या फिर किसी व्यक्ति के बारे में कुछ लिखते हैं तो बार बार उस व्यक्ति का नाम रिपीट करने की बजाय उस व्यक्ति को रिप्रेजेंट करने वाले उस व्यक्ति को ही प्रस्तुतिकरण करने वाले जो शब्द का हम लोग प्रयोग करते हैं वो शब्द को ही क्या कहते हैं सर्वनाम कहते हैं ठीक है ये इतना हमने डेफिनेशन देख लिया था एग्जैक्टली इस वीडियो में ये बताया गया था कि जो बार बार नाम का अगर हम लोग प्रयोग करते हैं जैसे कि मुकेश 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 तो वीडियो में सोनम सोनम करके एक एग्जांपल दिया गया था सोनम अच्छा गा सोनम एक लड़की है सोनम अच्छा गाती है अच्छा गाने के मतलब सोनम अच्छा गाना गाती सोनम सुरेली आवाज में गाती तो यहाँ पे सोनम सोनम नाम का ये सोनम क्या है व्यक्तिवाचक व्यक्तिवाचक संज्ञा लेकिन यहाँ पर वो नाम का बार बार क्या हो रहा था रिपीटेशन हो रहा था बार बार दोहराया जा रहा था जिसकी वजह से भाषा थोड़ी सी अटपटी सी लगती है तो भाषा अटपटी ना लगे और सुंदर लगे इसके लिए सोनम की जगह पे मुकेश की जगह पर सर्वनाम वाले शब्दों का प्रयोग किया गया था ठीक है स्टूडेंट्स यहाँ तक सबको समझ में आ गया है यहाँ तक सभी को समझ में आ गया है बेटा अब हम क्या देखेंगे सर्वनाम की परिभाषा फिर सर्वनाम किसे कहते हैं भाई सर्वनाम की पहचान क्या है पहचान तो लिए कि संज्ञा की जगह पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं तो उसकी परिभाषा क्या हुई परिभाषा भी वही हो गई ठीक है उसकी पहचान क्या हुई पहचान भी वही हो गई नाम की जगह पर जो शब्द आ रहे हैं वो शब्द कैसे होंगे वह वे कोई उन्हें तुम्हें तुम वह उसे है ना आप लोग जब टेक्स्ट बुक रीड करते हो तो आपने जब बार बार जब आप लोगों ने स्टोरी जब रीड किया होगा तो ऐसे शब्दों का आप लोगों ने बार बार प्रयोग किया होगा बार बार रीड किया होगा तो ये सारे शब्द क्या है ये सारे शब्द है सर्वनाम ठीक है क्या है ये सारे शब्द सर्वनाम बहुत ही सिंपल है इसकी परिभाषा को याद करना परिभाषा को याद क्या करना है नाम की जगह पर कोई और शब्द आता है वो कोई और शब्द क्या होता है नाम की जगह पर मतलब संज्ञा की जगह पर नाम क्या है संज्ञा है नाम क्या है संज्ञा है संज्ञा की जगह पर प्रयोग करने पे मतलब प्रयोग में आने वाले जो दूसरे शब्द होते हैं संज्ञा की जगह पर प्रयोग किए गए शब्द होते हैं वो शब्द क्या कहलाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं क्या कहलाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं ठीक है तो ये रहा तुम्हारा एकदम सिंपल सा डेफिनेशन सिंपल सी इसकी पहचान है जिसे आपको आपके ध्यान में रखना है ठीक है स्टूडेंट्स यहाँ तक सबको समझ में आ गया है थ्रू चैट बॉक्स बेटा मुझे रिस्पॉन्स करना है थ्रू चैट बॉक्स रिस्पॉन्स करना है बेटा सभी को उसके बाद हम सर्वनाम के कुछ प्रकार देखेंगे ठीक है सर्वनाम के हम लोग कुछ प्रकार देखने वाले हैं हमें प्रकार क्योंकि हमें टेक्स्ट बुक में प्रकार भी पूछे गए हैं आपके जो IMACS का टेक्स्ट बुक है पेज नंबर 15 में सर्वनाम और उसके प्रकार पूछे गए हैं जिसे आपको जानना जरूरी है ठीक है अभी तक आप लोगों ने सर्वनाम जान लिया कि सर्वनाम किसे कहते हैं ठीक है सर्वनाम की पहचान क्या है यहाँ तक सबको क्लियर हो गया नाम की जगह पर प्रयोग किए गए शब्दों को ही क्या कहते हैं सर्वनाम ठीक है और सर्वनाम कैसे जैसे कि वह उसे मैं तुम आप है ना उन्हें उन्होंने उसने वह ये सारे शब्द क्या है सर्वनाम वाले शब्द है जो किसी ना किसी संज्ञा को क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है स्टूडेंट्स अब हम संज्ञा के सर्वनाम के प्रकार देखेंगे ठीक है सर्वनाम के कुल कितने प्रकार है कुल 6 प्रकार है सर्वनाम के कुल कितने प्रकार है कुल 6 प्रकार है कौन कौन से प्रकार है भाई पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम ठीक है पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम चौथा संबंधवाचक सर्वनाम पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम छठवा है निजवाचक सर्वनाम ठीक है अब हम एक एक प्रकार
को अच्छे से देखने वाले। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम को जानेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम होता क्या है। पुरुषवाचक सर्वनाम जैसे कि इसमें तीन प्रकार के लोग हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम की पहचान ये है कि जिसमें स्पीकर, बोलने वाला, सुनने वाला और जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं, आपको कंडीशन यहाँ पे समझना है कि जो बोल रहा है, जैसे कि मेरा नाम पूनम है, मैं हिंदी की टीचर हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मेरा नाम, मेरा शब्द, मैं अपने अपने नाम को इंट्रोड्यूस कर रही, मेरा नाम, ठीक है, मेरा, ये क्या हो गया, ये मेरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीकर को, क्योंकि मैं बोल रही ना मेरा नाम पूनम है, मैं हिंदी की टीचर हूँ, तो मैं कौन से विषय की टीचर हूँ, हिंदी विषय की क्या हूँ, टीचर हूँ, तो यहाँ पर मेरा, मैं, यह बोलने वाले व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम को जानने के लिए हमें यह जानना जरूरी है कि पुरुषवाचक सर्वनाम में तीन प्रकार के लोग रहते हैं, बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके विषय पर बोला जाता है। जैसे कि मेरा नाम पूनम है, तुम्हारा नाम क्या है, अब तुम जब बोलोगे तब तुम क्या हो जाओगे, उत्तम पुरुष हो जाओगे, ठीक है, तुम स्पीकर हो जाओगे। जब तुम अपना नाम बताओगे कि मेरा नाम अर्पिता है, मेरा नाम सोनम है, मेरा नाम मुकेश है, जब आप अपना नाम बताओगे तब उस समय आप क्या हो जाओगे, स्पीकर। लेकिन जब मैं यहां से पूछती हूँ कि तुम्हारा नाम क्या है, तब ये तुम्हारा जो शब्द है वह सुनने वाले लोगों के लिए आता है, ठीक है, वक्ता, बोलने वाला, सुनने वाला, जिसके विषय में बोला जाता है। जिस तरह से अब मैं इसको बोल देती हूँ, जो बोलने वाला होता है फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकेंड पर्सन, जिसके विषय में बोला जाता है वो थर्ड पर्सन, ठीक है, इस तरह से इतने तीन लोगों इसमें आते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, पुरुषवाचक ही सर्वनाम के तीन उपभेद है, तीन उसके सब टाइप से, पहला है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, ठीक है, और आप लोगों को यहाँ पे जानना है कि उत्तम पुरुष मतलब बोलने वाला, मध्यम पुरुष मतलब सुनने वाला, मध्यम पुरुष मतलब सुनने वाला, और अन्य पुरुष यानी जिसके विषय में बोला जा रहा है, जिस विषय में बोला जा रहा है वो कैसे हो जाएगा अन्य पुरुष, यस, वह लड़का बहुत होशियार है। यहाँ पे ना तो उत्तम पुरुष मतलब यहाँ पे ना तो स्पीकर है यहाँ पर, ना तो सुनने वाले जो सुन रहा है उसका भी सर्वनाम यहाँ पे नहीं है, जिसके विषय पे बोला जा रहा है वह बहुत होशियार है, वह जो शब्द आया है ना फर्स्ट पर्सन के लिए आया ना सेकंड पर्सन के लिए आया, वह शब्द किसके लिए आया है, थर्ड पर्सन के लिए है, तो वह जो है वो क्या है, अन्य पुरुष है, जो कि वहां पे प्रेजेंट नहीं है, लेकिन उसकी बात फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन मिलकर उसके विषय में बात कर रहे हैं, तो जिसके विषय पे बात किया जाता है वो क्या कहलाता है, अन्य पुरुष। ठीक है, तुमको सिर्फ पुरुषवाचक सर्वनाम में आपको तीन चीज महत्वपूर्ण है जिसे आपको ध्यान में देना है। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन उपभेद होते हैं, उसके खुद के तीन उपभेद होते हैं, पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, सेकंड पर्सन सुनने वाला, और थर्ड पर्सन जिसके विषय में बोला जा रहा है, तो इसे हिंदी में ऐसा कहा गया है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक सबको समझ में आ गया है, यहाँ तक पहला प्रकार सबको समझ में आ गया, थ्रू चैट बॉक्स बेटा मुझे रिस्पॉन्स करना है। ओके, स्क्रीन इज नॉट विजिबल, वेल स्टूडेंट्स, ओके, नाउ अगेन आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन, जहां पे हमने सर्वनाम के प्रकार को देखा है, जहां पे हमने सर्वनाम के प्रकार को देखा, और सर्वनाम के टोटल कितने प्रकार है, 6 प्रकार है, सर्वनाम के कुल कितने प्रकार है, 6 प्रकार है, जिसमें से सिर्फ हमने पुरुषवाचक सर्वनाम को अभी तक देखा, क्योंकि पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष इसमें सम्मिलित है, क्योंकि इसका खुद का तीन उपभेद है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। फिर इसकी पहचान क्या हो गई, देखो उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष के जो भी सर्वनाम है वो पुरुषवाचक सर्वनाम ही कहलाएगा, लेकिन जब आपको पर्टिकुलरली ऐसा पूछा जाए कि उत्तम पुरुष, दिए गए वाक्य में से उत्तम पुरुष के सर्वनाम
बताओ। तो उस समय आपको ध्यान में देना है उत्तम यानी जो स्पीक है, मतलब वाक्य जब आप रीड करोगे तो आपको ऐसा महसूस हो, ऐसा आपको ज्ञान हो कि यह वाक्य अपने बारे में बता रहा है। जैसे कि मैं पांचवी कक्षा में पढ़ती हूँ, मैं बोल रहा है ना, इस वाक्य में मैं बोल रहा है, तो मैं जो है वो क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक सबको समझ में आ गया बेटा? यहाँ तक सबको समझ में आ गया है? वेल स्टूडेंट्स, यहाँ तक सबको समझ में आ गया है? आज सिर्फ हम लोग एक ही प्रकार देखने वाले हैं बच्चे।